अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के गांव वडनगर के एक ऐसे प्लेस की जो बहुत मशहूर है और सरकारी हर बुकों पर इसकी तस्वीरें मौजूद है, वर्ल्ड हेरिटेज में उसका शुमार है। तो आज हम इस वीडियो में उस प्लेस की, हिस्टोरिकल प्लेस की, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए उस हिस्टोरिकल प्लेस की ओर चलते हैं। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। सब्ज गुंबद वाले जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। दोस्तों, हम वो प्लेस पर पहुंच चुके हैं जो प्लेस कीर्ति तोरण के नाम से जाना जाता है। इसकी तस्वीरें हमारे सरकारी जो बुक्स है, जो बुके है सरकारी, उस पर इसकी तस्वीरें बहुत आती है कीर्ति तोरण की, और ये कीर्ति तोरण वर्ल्ड हेरिटेज में इसका शुमार है। इस तरह की कीर्ति तोरण वडनगर शहर में चार थे, अभी तो दो मौजूद है और दो गिर चुके हैं। तो ये जो दो मौजूद है, तो एक ये कीर्ति तोरण है और एक इस तरफ कीर्ति तोरण है। ये सामने दिख रहा है, ये दोनों आमने सामने दो कीर्ति तोरण है। दिल के पर्दे में रहा करना, जब इसको कीर्ति तोरण क्यों कहा जाता है, इसके मुतालिक तीन कॉल है। कुछ लोगों ने कहा कि ये कीर्ति तोरण, पहले तो ये सोलंकी वंश में इस कीर्ति तोरण को तामीर किया गया है, बनाया गया है। जो सोलंकी वंश, जो हमारे हिंदू भाइयों के जो सबसे बड़े बादशाह गुजरे हैं, राजा गुजरे हैं, महाराजा सिद्धराज जयसी, बहुत बड़े ताकतवर थे। तो इनके बाद जो गद्दी नशीन हुए थे पट्टन शहर की, कुमालपाल, जिन्होंने इस शहर को किला बंद किया था। पहले शहर खुला था तो इसको किला बंद किया था, तो हो सकता है उस वक्त ये कीर्ति तोरण को इन्होंने बनाया हो। तो ये कीर्ति तोरण उसको क्यों कहा जाता है, तो ये हो सकता है कि कीर्ति नामी इंसान के नाम पर इसको बनाया गया हो, इसलिए इसको कीर्ति तोरण कहा जाता हो, या फिर ये नरसिंह मेहता की चोरी के नाम से इस कीर्ति तोरण को पहचाना जाता है, या फिर ये कीर्ति तोरण किसी, इसके पास में किसी बड़े इमारत की निशानदेही करता है, कि हो सकता है कि इसके पास में कोई बड़ी इमारत हो, मंदिर का प्रवेश द्वार समझा जाता है। लेकिन हुकूमत ने इसको, इसके आसपास में खुदाई काम करवाया था 3-4 मीटर तक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ निशान मिले थे लेकिन मंदिर के निशान नहीं थे, तो इससे साबित हो गया ये जो कीर्ति तोरण है ये मंदिर का प्रवेश द्वार, सदर दरवाज़ा नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो कीर्ति तोरण है, इस तरह के चार थे जो आप देख रहे हैं, ये कीर्ति तोरण, इसके सामने दूसरा कीर्ति तोरण था। और यहाँ के लोगों ने बताया कि जो हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक जो शादी होती है, शादियाँ होती हैं, तो उसमें चार कोने पर मटके रखे जाते हैं, तो इस तरह उसको तामीर किया गया था कि चारों कोने पर ये सुतून बनाए गए थे और उसके बीच में एक कमान रखी गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा कीर्ति तोरण था उसके सामने, वो तो गिरकर खंडेर हो चुका है। आप सामने देख सकते हो ये पत्थर जो पड़े हैं, तो ये इसके पत्थर है। और इस तरफ जो दूसरा कीर्ति तोरण है, ये भी कीर्ति तोरण है, तो इस तरह के चार थे। तो इसके सामने भी दूसरा कीर्ति तोरण था, वो भी खंडर हो चुका है। तो ये हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक जो शादियाँ होती है, तो उसके लिए बनाया गया था कि सोलंकी वंश के, यानी हुकूमत के तहती, माँ तहती में इस कीर्ति तोरण को बनाया गया था। तो ये कीर्ति तोरण
तकरीबन 800-900 साल पुराना कीर्ति तोरण है और इसमें बहुत अजीब अंदाज से नक्काशी का काम हुआ है, आर्किटेक्चर का काम हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको करीब से इसकी नक्काशी का काम बताने की। दोस्तों, आपको कीर्ति तोरण के पास में ले जाने की कोशिश करूंगा। ये ऊंचाई पर है, ये कम ऊंचाई पर है, और इसके सामने जो दूसरा कीर्ति तोरण है ये ज़्यादा ऊँचाई पर है। तो दोनों की आपको उसकी नक्काशी बताऊँगा। इसमें जो नक्काशी का काम हुआ है बहुत बेहतरीन अंदाज से काम हुआ है, बहुत बारीकी से इसमें आर्किटेक्चर का काम हुआ है, डिज़ाइन का काम हुआ है, बहुत बारीकी से पत्थरों को खुरच कर इसमें डिज़ाइन बनाई गई है। और ये डिज़ाइन हमारे हिंदू भाइयों के रस्म व रिवाज के मुताबिक इसकी डिज़ाइन की गई है, क्योंकि जो कीर्ति तोरण जिसने भी बनाया है ये सोलंकी वंश के राजा ने बनाया, तो इनका धर्म भी हिंदू था, तो उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक इसमें नक्काशी का काम किया है, बहुत बारीकी से इसमें नक्काशी का काम किया है। करना जब वक्त नजर आए दीदार अता। दोस्तों, ये दूसरा कीर्ति तोरण है, इसकी भी नक्काशी का काम आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको ऊपर ले चलता हूँ इसके पास। ये कीर्ति तोरण बहुत ऊंचाई पर है, तो ये इसमें स्टेप लगे हुए, स्टेप के ज़रिए आपको ऊपर ले चलूँगा और इसकी नक्काशी का काम भी आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। दोनों में जो नक्काशी का काम हुआ है अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों में नक्काशी का काम। यहाँ का काम उसके मुकाबले में अलग है और अच्छा काम है, आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।